नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर सियासत गरमाने लगी है। टीएमसी और बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कांग्रेस को भी इसमें घसीट लिया है। साक्षी महाराज ने इस बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत को लेकर विवादित बयान दिया, हालांकि विवाद बढ़ा तो बाद में सफाई भी दी। अपने बयानों के कारण अक्सर विवादों में रहने वाले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। साक्षी महाराज ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया। साक्षी महाराज ने आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस ने ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या करवाई थी। उन्नाव में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के दौरान भाषण देते वक्त उन्होंने ये विवादित बातें कही है। दरअसल साक्षी महाराज ने कहा, सुभाष चंद्र बोस को समय से पहले ही मौत की गाल में भेज दिया गया था। मेरा आरोप है कि कांग्रेस ने ही सुभाष चंद्र बोस की हत्या करवाई। बोस की लोकप्रियता के आगे पंडित नेहरू तो कहीं ठहरते ही नहीं थे। महात्मा गांधी भी उनकी लोकप्रियता के आगे कहीं नहीं ठहरते थे। मौत की गाल में भेज दिया था। मेरा आरोप है कांग्रेस ने ही सुभाष चंद्र बोस की हत्या कराई थी, और केवल इसलिए उनकी लोकप्रियता के आगे पंडित नेहरू तो कहीं ठहरते ही नहीं थे, महात्मा गांधी जी भी नहीं ठहरते। सुभाष चंद्र बोस हो शख्सियत तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा। कि अंग्रेज इतने सीधे नहीं थे तो मांगने से आजादी दे गए। सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तब मैं कहा करता हूं लहू के भाव से खरीदी थी हमने आजादी। साक्षी महाराज के इस बयान के बाद एक बार फिर से विपक्ष ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया, और जिस पर विपक्ष भी बीजेपी पर आरोप लगा रहा है। इसका मतलब सुभाष बाबू आपके लिए सिर्फ माला पहनाने की चीज है और बंगाल चुनाव महत्वपूर्ण है। नेताजी का चरित्र, उनकी सोच बहुत व्यापक थी। नेताजी को कम से कम संकीर्ण दायरे में जो लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो नेताजी। विपक्ष के घेरने के बाद साक्षी महाराज बैकफुट पर आए और अपने बयान पर सफाई दी। साक्षी महाराज ने अपने विवादित बयान पर सफाई देते हुए कहा, ये बयान निजी है, पार्टी का कोई मतलब नहीं है। देश को आजादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका सुभाष चंद्र बोस की थी। उनका नारा था, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कल उनकी 125वीं जयंती थी, उसके अवसर पर मैंने ये प्रयास किया कि सुभाष चंद्र बोस की मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। आखिरकार क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोई जांच क्यों नहीं बिठाई, कोई पर्दाफाश क्यों नहीं हुआ, चाहे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत हो, या लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो, या फिर सुभाष चंद्र बोस की मौत हो, इन मौतों को वैसे पर्दा उठना आवश्यक है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की जो लोकप्रियता थी उसके आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहीं भी नहीं टिकते थे। तो कयास लगाया जा सकता है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। मैंने कयास लगाया है, हो सकता है मेरा कयास मिथ्या हो, पर मेरा मानना यही है जो मैंने कहा है। आपको बता दें कि पहले भी कई बार साक्षी महाराज विवादित बयान दे चुके हैं। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। इसके अलावा वे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ काफी जहरीले बयान दे चुके हैं। साक्षी महाराज ने एक बार कहा था कि देश में मदरसों और मस्जिदों के माध्यम से लव जिहाद का षड्यंत्र चल रहा है, और जिस पर भी काफी ज्यादा बवाल हुआ था। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।